Today is my first day of school of summer vacation. Very, very excited to go to school right now. और नव्या भी रेडी हो गई है. Guys, I'm so happy to meet my teachers and my friends. Mama is making bhujia and paratha for me right now. एक महीने के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं. एक महीने के बाद आज स्कूल है. आज एक महीने बाद ही है ना, आफ्टर वन मंथ. एक महीने के बाद हम फिर स्कूल जा रहे हैं. और आज मौसम भी अच्छा है. छत बाहर बारिश हो रही है और छत अब ठंडा हो चुका है, तो अब काफी सही है. पहले से मौसम भी बेटर हो गया है. मम्मी first day of our school after summer vacation, so when is gonna come, then we're gonna go. It's quite good because outside it's raining. We're taking our breakfast first. So we're taking breakfast right now and then we're gonna go to school. My bachchon ke liye 1 month ke baad breakfast bana rahi hu main. Morning ब्रेकफास्ट तो बनाती थी पर बच्चे की छुट्टी थी तो बच्चे स्कूल जाते नहीं थे. बच्चों की फरमाइश है मम्मा पराठा बेल दो मेरे लिए. और रात में ही बच्चे ने डिसाइड किया था कि आज मैं आलू की भुजिया और पराठा ले जाऊंगी, तो यही मैं बना रही हूँ. और बाहर बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है तो अच्छा लग रहा है. बाहर मैंने गेट को खोल दिया है, काफ़ी अच्छा हवा आ रहा है. आज मैं लौकी की कोफ्ते बनाऊंगी. बच्चे सब तो स्कूल चले गए हैं और अभी 10 बज रहे हैं. और ये रही मेरी लौकी, तो उसकी कोफ्ते बनाऊंगी. हमें टमाटर 4 टमाटर ले ली हूँ और प्याज. और इसमें पहले मैंने लहसुन और मिर्ची पीसा था, उसी जार में मैंने टमाटर और प्याज ले लिया. इसको भी मैं पीस लूँगी. यहाँ कद्दू है, कद्दू को मैंने कद्दूकस कर लिया है. इसमें मैं बेसन दे दी हूँ और प्याज. और लहसुन मिर्ची का पेस्ट, धनिया, जीरा, मरीच और गरम मसाला सब इसमें मिक्स कर दिया है. स्वाद के अनुसार नमक ले लूँगी. सारे मसाले को कद्दूकस किया हुआ मैं मिक्स कर दूंगी. कद्दू में मैंने सारे मसाले को मिला दी हूँ. और इसमें मैंने बेसन, नमक, हल्दी, धनिया, जीरा, मरीच, प्याज सबको मिक्स कर दिया है. तेल को चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में. और इधर मैं टमाटर और प्याज को पीस लिया है क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था तो धड़फड़ में काम भी गड़बड़ हो जाता है. और मेरा इधर पूरा जार से टमाटर और प्याज का रस निकल चुका है.
तो उसको मैं बाद में सफाई कर लूँगी। और ऐसे ही करके मैं सारे कोफ्ते को छान लूँगी और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्वादिष्ट दिख रहा है। और ये कद्दू के कोफ्ते काफ़ी मस्त लगते हैं। इधर मैं कढ़ाई में तेल दे दी और फोरन के लिए मैंने सूखी मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, मेथी सब कढ़ाई में दे दूँगी। इधर कढ़ाई में सूखी मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, मेथी सबको मैंने दे दिया है। ध्यान में ही नहीं था, आँच कम कर दी थी। तो कढ़ाई में मैंने तेल दे दिया है, इधर सूखी मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, मेथी सबको ऐड कर दिया है। और ये कुछ इस तरह हो गया है। तो इधर मेरा फोरन लाल हो गया है। अब उसमें जो मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट पीसा था वो मैं ऐड कर दूंगी। एक हाथ से कैमरा लेके बनाने में गाइस बन नहीं रहा है। और इधर मैं टमाटर और प्याज तो जो मैं मिक्सी में पीस के रखी थी, मैंने जो टमाटर और प्याज का पेस्ट पीसा था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और ये धीरे धीरे भून रखेगा। इधर मैं सारे मसाले को मिक्स कर दी हूँ। इसमें लहसुन, मिर्ची, धनिया, जीरा मरीच, गरम मसाला, हल्दी सारे मसाले हैं, इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब इधर लहसुन और टमाटर और प्याज का जो मैंने इसमें डाला वो अब धीरे धीरे पक रहा है। उसको पक जाने के बाद इसमें मैं ये मसाला सारा मिक्स वाला इसमें मैं डाल दूँगी। और ये भी साथ में पकेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मसाला धीरे धीरे पक रहा है और काफ़ी सुंदर मसाला दिखने में लग रहा है। पीछे आप लोग देखिए, आज मैं खुद से ही लाइव ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और इधर ये मसाला भून रही हूँ और भूनते भूनते ये दिखने में काफ़ी गर्म दिख रहा है। नमक ले ली हूँ और मैं ग्रेवी के अकॉर्डिंग नमक दे रही हूँ। ये मसाला पक गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था और इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू निकल रही है। और इसमें मैं पानी दे देती हूँ। ये जब उबाल हो जाएगा तब इसमें मैं सारे कोफ्ते डाल दूंगी। अब ये ग्रेवी खोलने लग गया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया। अब इसमें मैं सारे कोफ्ते को ऐड कर दूंगी। ये दिखने में काफ़ी लजीज लग रहा है, लौकी के कोफ्ते।
तो आप लोग बताना मेरा लौकी का कोफ्ता कैसा लगा। तो ऐसे ही, और आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। काफ़ी स्वादिष्ट बना है लौकी के कोफ्ते। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं जाऊँगी राइस बनाने के लिए, और आप लोगों को टाइम बताती हूँ कि समय कितना बजा है। राइस आप लोग देखो, टाइम 11:15 है, और बच्चे का छुट्टी 1.5 घंटा के बाद मेरे बच्चे आ जाएंगे लगभग। तो कैसा लगा लौकी के कोफ्ते बताना कमेंट करके।